महाराष्ट्र के अमरावती में कल 9 जुलाई को दोपहर में एक 20 वर्षीय युवती ने अपने 10 वर्षीय सगे भाई के सिर व मुंह पर खलबट्टे से वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस फरार युवती की युद्ध स्तर पर खोज कर रही है। मित्रों, मानव बुद्धदेव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। हमारा यह चैनल धर्म व संस्कृति के प्रचार प्रसार में वीडियो प्रसारित करता है। यह कोई न्यूज चैनल नहीं है जिस पर इस तरह की सनसनीखेज खबरें चलाई जाए, किंतु मित्रों, ये घटना हर उस व्यक्ति को चिंतन के लिए मजबूर करती है जिसे सनातन संस्कृति में आस्था है, धर्म व कानून के प्रति निष्ठा है। वह युवती किसी लड़के के प्रेम में पागल होने की बात भी उजागर हुई है। उसकी आशिकी की बात अखबारों में छपी है। वह घर से गायब थी और कुछ दिन पूर्व ही घर लौटी थी। तब से घर में विवाद होता था। कल घटना के समय माता पिता बाहर काम से गए थे, तभी न जाने ऐसा क्या हुआ कि उस युवती ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। मीडिया वाले जिसे प्रेम का चक्कर कहते हैं, वास्तव में वो प्रेम नहीं बल्कि वासना का चक्कर होता है। प्रेम के चक्कर में भला कोई ऐसा कदम उठा सकता है? घर से गायब रहना, फिर घर लौटने के बाद इस तरह भाई की निर्मम हत्या करना, ये सब एक प्रेमी नहीं कर सकता, ये सब वासना से पीड़ित व्यक्ति ही कर सकती है। मित्रों, आखिर क्यों होती है ऐसी घटनाएं हमारे अवतारों की भूमि, संतों की भूमि, ऐसे महान भारत देश में? युवक युवतियां आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस पर हमारे देश में कभी सरकार अथवा न्यायपालिका द्वारा विचार किया गया है? अपराधी को सजा देने के लिए तो बहुत कानून बने हैं हमारे देश में, किंतु इस तरह के अपराध हो ही नहीं, इसके लिए कभी कोई विचार किया गया है? इसके लिए कोई योजना बनाई गई है? मित्रों, विश्व में सर्वाधिक संख्या में अश्लील वीडियो पॉर्न साइट्स जहां देखी जाती है, ऐसे देशों में हिंदुस्तान का नंबर आज बहुत ऊपर है। फिल्में, विज्ञापन, लाफ्टर शो आदि सब मनोरंजन के नाम पर केवल और केवल अश्लीलता, फोड़ता परोसते हैं। इन पर कोई रोक नहीं है, इनके कारण बहुत बर्बादी हुई है और आगे और अधिक होकर रहेगी। देश का युवा पतन की खाई में गिरता जा रहा है। गंदे विज्ञापन, गंदी फिल्में आदि पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, और जिस अवतारी महापुरुष ने लाखों लाखों युवाओं को पतन की खाई में गिरने से बचाया, उन्हें ओजस्वी तेजस्वी बनाया, उन्हें संयम नियम की महिमा समझाकर उनके जीवन को सही दिशा दी, उन्हें राष्ट्र व धर्म के प्रति निष्ठावान बनाया, उन्हें मातृ पितृ भक्त बनाया, ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य श्री आशाराम जी बापू जैसे विश्व हित चिंतक को षड्यंत्र करके जेल में डाला जाता है हमारे देश में। बापू जी के दिव्य प्रेरणा प्रकाश ग्रंथ ने लाखों लाखों युवाओं को महानता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। मित्रों, बड़े से बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, किंतु एक 80 वर्षीय संत को 7 वर्षों से झूठे आरोपों के तहत जेल में रखा गया है। यह है हमारा भारत, धन्य है हमारा इंडिया। आज समाज को, हमारे राष्ट्र को पूज्य बापू जी के अनमोल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनके सत्संग अमृत की जरूरत है। फिर भी हम इस वीडियो में किसी से मांग नहीं करेंगे कि उन्हें रिहा करें। हम सर्वेश्वर बापू जी के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे, किंतु चेतावनी जरूर देंगे कि पूज्य बापू जी के साथ हो रहा अन्याय अभी भी नहीं रुका तो आगे देश का विनाश अटल है, अटल है, अटल है।